इश्क एक मीर भारी पत्थर है, कब ये तुझ नातवां से उठता है। लिखने वाले महाकवि मीर से ज्यादा या बेहतर कुछ कैसे कह सकता है। मैं उनके ही लफ्ज दोहराना चाहता हूं जिनसे उनकी आत्मकथा जिक्र मीर की शुरुआत होती है। इश्क ही इश्क है, नहीं है कुछ। इश्क बिन तुम कहो कहीं है कुछ। इश्क ही इस दुनिया का पालनहार है, इश्क ना होता तो ये दुनिया ना होती। बिना इश्क के जिंदगी बवाल है, इश्क में जी जान की बाजी लगा देना ही कमाल है। इश्क ही बनाता है, इश्क ही जलाकर कुंदन कर देता है। जो कुछ है इश्क ही है, आग में इश्क की जलन है और पानी में इश्क का बहाव है। मिट्टी में इश्क का ठहराव है और हवा में उसकी चलत फिरत है। मौत इश्क का सुस्त हो जाना है और जिंदगी इश्क का होश में आ जाना है। दिन इश्क का जागना और रात उसका सो जाना है। मीर के इन सादे सरल मगर सुंदर सारगर्भित शब्दों के बाद मैं अपने साधारण और टूटे फूटे तरीके से भी कुछ कहने की कोशिश करूंगा। इश्क या प्रेम हमारे वजूद का, जीवन का, कुल मानवीय अवस्था या वास्तविकता का वह इलाका या आयाम जिसके इर्द गिर्द हम बेशुमार सूक्तियों, सुभाषितों, परिभाषाओं, कहानियों, फिल्मों, कविताओं, गीतों, गजलों, गद्यांशों की एक विराट भरमार देखते हैं। एक लगातार बढ़ता जाता अंबार। फिर भी विश्वासपूर्वक नहीं कह सकते कि हम उसके बारे में उससे अधिक जानते हैं जो आदिम मनुष्य जानता रहा होगा। हर इंसानी कोशिश या प्रयत्न के परे, साध्यता के गणित से बाहर और निर्धारिता के नियमों से आजाद, वो जिंदगी, प्रकृति, प्राणी जगत और सकल सृष्टि को परिचालित करती, सब कुछ में अंतर्व्याप्त एक आंतरिक लय या अनुराग की एक संहिता है जिसकी अपनी स्वायत्तता है, अपना ही ब्रह्मांड। उसका एक पल, एक क्षणिक कौंध भी जीवन में आए तो अंतर को झकझोर देने वाला, समूचे स्वयं पर छा जाने वाला, सब कुछ को पूर्णता देने वाला एक विराट अनुभव हो सकता है। उस एक पल में जो कौंधता है उसे देखने वाला वर्षों तक या जिंदगी भर उससे प्रेरित, प्रभावित या आतंकित होता रहता है। चेखव की एक कहानी में नाद्या नाम की युवती को उसका एक मित्र सिर्फ मजाक या शरारत में एक पहाड़ी से स्लेज पर नीचे फिसलते समय तेज हवाओं के शोर के बीच कहता है, मैं तुम्हें प्यार करता हूं नाद्या। उसे संदेह होता है कि मित्र ने सचमुच ऐसा कहा था या ये उसका भ्रम था। उसे उन शब्दों का नशा हो जाता है। उन्हें बार बार सुनने के लिए वो अपने डर के बावजूद बार बार पहाड़ी पर जाती है। इस अनुभव को वो कभी नहीं भूल पाती। बहुत बाद में एक सुखी गृहस्थी, पति, बच्चों के बीच यही उसके जीवन की सबसे सुंदर, सुखद, तलस्पर्शी याद है। प्रेम ऐसा ही शक्तिशाली जज्बा है, एक पल में ही पूरा जीवन जी लेने जैसा। लेकिन यह भी मुमकिन है कि पूरा जीवन प्रेम के भ्रम में जीने के बाद अंत में एहसास हो कि उसमें प्रेम का एक पल, एक कतरा भी नहीं था। उसे बांध कर, घेर कर जीवन में ले आने का कोई तरीका या तरकीब नहीं। कभी उसकी तलाश या इंतजार में उम्र यूं ही गुजर जाती है और कभी वो दुख की घोर अंधतम रात्रि में भोर के झीने प्रकाश की तरह एक बेमालूम तरीके से अनायास चुपचाप प्रकट हो सकता है। लेकिन दूसरे छोर पर इसके उलट वो इसी प्रकार आहिस्ता और चुपके से हमारे बिना जाने हमसे विदाई भी ले सकता है। वो ऐसा ही अनिश्चित, अबूझ, अव्याख्येय है।
कल शंपा जी ने कहा था कि उसके बारे में कुछ भी कहो तत्काल नाकाफी लगने लगता है। मैं इसमें यह जोड़ना चाहता हूं कि जीवन में भी उसकी कितनी ही प्रचुरता हो, वो हमेशा नाकाफी होता है, वो और चाहिए होता है। वो किसी सूत्र सूक्ति या परिभाषा में पूरा नहीं अटता, यद्यपि उसे किसी साफ सुथरी परिभाषा में बांधने की कोशिश भी कभी नहीं रुकती, भले ही अंत में हर परिभाषा प्रेम की नहीं, सूरज का सातवां घोड़ा से एक शब्द उधार लेकर कहूं तो नेति प्रेम की परिभाषा ही साबित होती है। अलग अलग व्यक्तियों के लिए उसका अनुभव या मायने अलग हो सकते हैं। एक लाइलाज लेकिन मीठी आदत, आवेशग्रस्तता या खप्त, एक मुसीबत धोखा या फरेब, बेचैनी उलझाव उधेड़ बुन, सपने उदासियां सरगोशियां, एक उथल पुथल या धुकधुकी, अनिद्रा और रत जगे, एक छल या माया या छाया, उम्मीद असंभवता या फिर अंतिम भय विस्मय, इनमें से कोई भी मायना झूठ नहीं लेकिन कोई भी पूरा सच नहीं। एक लफ्ज जिसके उच्चरित होते ही पल भर में हमारे जेहन में कितनी ही यादें कहानियां कवि और कविताएं पंक्तियां कौंध जाती हैं। पंक्तियां बड़े धोखे हैं इस राह में से लेकर किंतु न मुझसे झूठा प्रेम तक, कहानियां उसने कहा था तीसरी कसम रसप्रिया देवदास द लेडी विद द डॉग और डार्लिंग और कवि मीर गालिब दांते नेरुदा जीवनानंद दास शमशेर स्वेतायेवा मायकोवस्की और मांदेलिश्ताम से लेकर साहिर मजरूह शैलेंद्र और भी तमाम। अनुराग की यह संहिता जिसे हम प्रेम का नाम देते हैं सिर्फ जीवन को नहीं, जैसा महाकवि मीर ने कहा, आग पानी मिट्टी हवा यानी जड़ प्रकृति को भी संचालित करती है। जिसे हम जड़ कहते हैं उसका भी एक जीवन होता है। मीर की ही बात को निकारागुआ के कवि अर्नेस्टो कार्डिनल इन शब्दों में दोहराते हैं। ये मैंने नहीं पढ़ा था लेकिन लिखा अपनी स्मृति से है, तो ये एग्जैक्टली उनके शब्द नहीं है। प्रकृति में सब कुछ अपने सीमित स्वयं के पार जाना चाहता है, अपनी सीमा तोड़ने का प्रयत्न करता है, अपने आप की कैद से मुक्त होना चाहता है। प्रकृति में सब कुछ अधूरा है और पूर्णता की एक अमिट प्यास उसके भीतर अंतर्भूत है। पूर्ण होने की कामना से ही वो अन्य की ओर उन्मुख होता है, जिसे वो अपने में समेट सके या जिसे वो अपने को अर्पित कर सके। हर चीज और जीव अपने भीतर अपने रहस्यमय अंतरतम में आत्यंतिक गहराइयों में पूर्णता की प्यास है। प्रकृति भी अधूरी है और पूर्णता के लिए तरसती है। इस प्रकृति के भीतर हम सब भी अधूरे हैं। अधूरेपन का ये धागा ही हम सबको आपस में जोड़ता है। इसी प्यास को हम प्रेम का नाम देते हैं, जो प्रकृति की उत्कटता में, प्राणियों की कराह में, जन्म मृत्यु प्रजनन, चीजों के उत्परिवर्तन या रूपांतरण की अटूट और विराट श्रृंखला में अंतर्व्याप्त है। प्रेम के बारे में सिर्फ एक विषय वस्तु के रूप में एक संध्या भाषा या आस्तित्विक शब्दावली में बादलों में बसने वाले एक अमूर्त अवैयक्तिक भाव या एक रहस्यमय इंद्रियातीत अनुभव के रूप में कहना हो तो हम बहुत कुछ कह और कहते रह सकते हैं। अभी तक हमने जो कुछ कहा वो कुछ कुछ ऐसा था भी, लेकिन आज हमारे विचार का विषय प्रेम नहीं, प्रेम कहानियां हैं। ये कहते ही हमें बादलों की ऊंचाई से जमीन पर आना होता है।
प्रेम कहानियां सिर्फ प्रेम से इस नाम के अमूर्त अतीन्द्रिय रहस्यमय एहसास से नहीं बनती। प्रेम प्रेम कहानियों का सिर्फ एक तत्व होता है और कई बार उसका भी होना जरूरी नहीं होता। कहानियां तब बनती हैं जब मनुष्य, बादलों में विचरण करता कोई अमूर्त मानव नहीं, इसी दुनिया के इंसान, यही आम फहम पार्थिव क्षणभंगुर जीवन जीते हुए, इसी के बीच या दौरान एक दूसरे के लिए लगाव या कशिश या अपनापा महसूस करते, एक दूसरे के संपर्क में आते और एक संबंध में दाखिल होते हैं या नहीं हो पाते। और जब वे प्रेम में होते हैं तो भी सिर्फ प्रेम ही नहीं करते रहते, उस समय भी तमामतर लड़ाइयों और संघर्षों में मुब्तिला होते हैं, अनेक मौकों पर प्रेम को पीछे रखकर भी। ये मुमकिन है कि एक प्रेम कहानी में प्रेम न हो, लेकिन यह मुमकिन नहीं कि उसमें मनुष्य न हो। मनुष्य यानी इसी दुनिया का मनुष्य, और ये दुनिया यानी राज्य, लोकतंत्र, नागरिकता, समाज, वर्ग, वर्ण, जातियां, मानव संबंध और सत्ता पर काबिज विचार और जीवन मूल्य। प्रेम एक अमूर्त अवैयक्तिक स्वप्निल या जादुई एहसास से आगे एक इंसानी, इहलौकिक, व्यवहारगत, मनोगत, इंद्रियगत क्रिया में तब्दील हो, तभी कहानियां घटित होती हैं। मुक्तिबोध में कामायनी एक पुनर्विचार की शुरुआत में ही लिखा था, हमारा जीवन त्रिकोणात्मक है, इस त्रिभुज की आधार रेखा हमारी चेतना है, एक भुजा हमारी बाहरी दुनिया, मानव संबंधों, वर्ग जगत इत्यादि के बीच से होते हुए उस छोर तक पहुंचती है जिसे हम देश और जाति की राजनीतिक सामाजिक स्थिति कह सकते हैं, मानव इतिहास के विकास का एक विशेष स्तर और अवस्था। दूसरी भुजा हमारा अंतरंग जीवन है जो उस बाह्य को आत्मसात करता, प्रतिक्रियाएं करता, जीवन ज्ञान का विकास करता और उसके सहारे बाह्य से एक दुतरफा द्वंद्वात्मक संबंध जोड़ने का प्रयत्न करता रहता है। इस त्रिभुज की आधार रेखा हमारी चेतना इन दोनों भुजाओं के बिना अपना स्वरूप और आकार नहीं पा सकती। हमारे हृदय में संचित अनुभवों का एक पक्ष आभ्यंतर और दूसरा बाह्यगत होता है। जिंदगी या किसी भी अनुभव की व्याख्या किसी एक भुजा की उपेक्षा करके पूरी नहीं हो सकती। मुक्तिबोध का यह सूत्र जीवन, यथार्थ और मनुष्य के उनके आपसी रिश्ते के बाबत है, लेकिन ये कहानियों के बारे में भी सच है, प्रेम कहानियों समेत। मैंने जो कहानी चुनी है उस पर तो कुछ कहूंगा ही, लेकिन जैसे आलोक धनवा की कविता पंक्ति है, मीर की बातें करो तो वे बातें भी उतनी ही अच्छी लगती हैं जितने मीर, उसी तरह प्रेम पर बातें भी प्रेम से कम दिलकश नहीं होती और उन्हें प्रेम और धीरज से ही किया जाना चाहिए। उस कहानी पर आने से पहले मैं कुछ अन्य कहानियों का जिक्र करना चाहूंगा। सर्वप्रथम एक बहुत पुरानी क्लासिक कालजयी कहानी जो 176 साल पहले 1848 में लिखी गई थी, दोस्तोवस्की की व्हाइट नाइट्स। मैं नहीं समझता कि हम में से कोई ऐसा है जिसने ये ना पढ़ी हो। दोस्तोवस्की ने जब ये लिखी थी वे युवा थे और उनके लेखन की शुरुआत ही थी, शायद इसीलिए इसमें एक विरल मासूमियत, सुबह की ओस तरीका हल्कापन, एक स्वच्छता, निष्कपटता और एक सादगी भरी मानवीयता है। निजी रूप से मेरे लिए ये इस मायने में निर्णायक रही है कि इसी ने सर्वप्रथम दोस्तोयेवस्की और उनके लेखन से और 18वीं 19वीं सदी के रूसी साहित्य की जो विराट विस्मयकारी दुनिया है उससे परिचय कराया। यही मेरे लिए उस दुनिया की ओर खोलने वाली पहली खिड़की बनी। युवावस्था में पढ़ी गई किताबें हमारे नजरिए और अनुभवों को एक शक्ल देती हैं,
तय करती हैं कि हमारे अंतर का बाहर से क्या रिश्ता होगा और हमारे भीतर उत्कृष्टता, सौंदर्य बोध और मूल्य निर्धारण के पैमानों की तामीर करती हैं। इस नाते भी ये कहानी मेरे लिए महत्वपूर्ण रही है। इस कहानी का जादू कुछ अजीब है। इसे कई बार पढ़ा है, लेकिन हर बार पढ़ना जैसे पहली बार पढ़ना ही रहा है। हर बार इसे पढ़ते हुए जैसे टाइम मशीन में बैठकर वहीं वापस पहुंच गया हूं जब इसे पहली बार पढ़ा था। इस तरह यह कहानी मेरे लिए चिर नवीन है, ये कभी पुरानी नहीं हुई। हरिनारायण जी की भी ये बहुत प्रिय कहानी है और मेरा ये वक्तव्य आज का हरिनारायण जी के लिए विशेष रूप से है। कथा सार बताना फिजूल होगा क्योंकि ये आप सबने पढ़ी है। संक्षेप में इतना ही कि ये 19वीं सदी के मध्य में सेंट पीटर्सबर्ग में चार रातों और एक सुबह के वक्फे में घटित होती है। कहानी के हिस्सों के शीर्षक भी यही हैं, पहली रात, दूसरी रात, तीसरी रात, चौथी रात और सुबह। एक गरीब, कल्पनाशील, बहुत संवेदनशील लेकिन निपट एकाकी नवयुवक है। वो खुद अपने को स्वप्नदर्शी कहता है, स्वप्नों और कल्पनाओं की दुनिया में रहता है, कवि प्रकृति का है, दर्शन और चिंतन की गहराइयों में डुबकी लगाता है। वो हमेशा अकेला रहा है, एक नौकरानी के अलावा उसका किसी से संपर्क नहीं, उसकी कोई कहानी नहीं, उसने कभी किसी से बातचीत नहीं की, इसलिए वो बातचीत करना भी नहीं जानता। कभी बातें करता है तो इस तरह जैसे कोई किताब पढ़ रहा हो। सेंट पीटर्सबर्ग की सफेद रातों में टहलने के दौरान एक रात वो एक युवती को देखता है जो एक पुल पर खड़ी रो रही है। वो उसकी मदद करना चाहता है। शुरू में वो उससे डरती है लेकिन फिर उसकी दोस्त बन जाती है, इस शर्त पर, देखिए मुझे प्यार नहीं कर बैठिएगा। युवती का नाम नास्तेनका है और उसके पास कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। वो अपनी बूढ़ी अंधी नानी के साथ रहती है जो दिन भर मोजे बुनती रहती है और 2 साल से उसने उसे अपने साथ एक सेफ्टी पिन से बांध रखा है जिसे उसके सो जाने के बाद चुपके से खोलकर वो सफेद रातों में टहलती है। अंधी होते हुए भी नानी उसकी हरकतों पर पूरी निगरानी रखती है, खास तौर पर यह कि उसे किसी से प्यार ना हो जाए। फिर भी प्यार तो होता ही है उसके घर में रहने वाले एक किराएदार युवक से। फिर किराएदार को साल भर के लिए मॉस्को जाना पड़ा। उसने वादा किया था कि वो ठीक 1 साल बाद लौटकर उससे उसी पुल पर मिलेगा। 1 साल बाद उस रात वो उसी के इंतजार में पुल पर खड़ी है। उसे पता है कि वो 3 दिनों से शहर में है लेकिन उसके पास नहीं लौटा। नास्तेनका ने दोस्ती की जो शर्त रखी थी वो कब टूट गई नायक नहीं जान पाता। वे 3 रातों तक सेंट पीटर्सबर्ग की सफेद रातों में पुलों और सड़कों पर घूमते हुए, तमाम बातें करते हुए पुराने प्रेमी का इंतजार करते हैं लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं। कथानायक उनके प्रेम के आड़े नहीं आना चाहता, लेकिन 4थी और आखिरी रात एक बहुत नाजुक, विकट और जटिल पल में उससे प्रेम का इजहार कर ही बैठता है। उस रात नास्तेनका के मन में पुराना प्यार मर जाता और नया जन्म लेता है। सचमुच नहीं, वो सिर्फ ऐसा महसूस करती है, लेकिन बहुत शिद्दत और सच्चाई और निष्पाप मन से। हमारी अपनी भावनाएं भी तो अनेक अवसरों पर हमें धोखा देती हैं। वे भेष बदल लेती हैं या किन्हीं दूसरी भावनाओं के बीच छुप जाती हैं। वे दोनों बहुत सारी बातें करते हैं, भविष्य के ख्वाब बुनते हैं, बेइंतहा खुश हैं और नए प्रेम के उन्माद में साथ साथ हंसते, रोते और गाते हैं। उसी रात पुराना प्रेमी वापस आ जाता है। नास्तेनका नायक को एकाकी छोड़कर उसके साथ चली जाती है। अगली सुबह नायक को उसका एक खत, एक बहुत मार्मिक, हृदय द्रावक खत मिलता है।
क्या नास्तेनका ने उसके साथ दगा या छल या बेवफाई की थी? कहानी हमें प्यार और उसकी जटिलताओं के बारे में तो बहुत कुछ बताती ही है, ये एकाकीपन, क्षणभंगुरता, स्वप्न, यथार्थ और कल्पनाओं के बारे में भी बहुत कुछ कहती है। बर्फ से ढकी चार सफेद रातों में स्वप्नदर्शी नायक का यह वास्तविक जीवन से पहला संपर्क है। इन्हीं में उसे पहली और अंतिम बार प्रेम की एक अल्पकालीन क्षणभंगुर खुशी मिली। चार रातें एक के बाद एक झलक दिखाकर गायब हो गईं। फिर चौथी सुबह एक निर्दयी सुबह आती है जब उसके प्रेम का, सपनों का और उसके साथ ही कहानी का एक उदासी भरा विषादपूर्ण अंत होता है। इस कहानी की खासियत है उसकी तीव्र भावमयता, प्रथम प्रेम के उमड़ते छलकते हुए भावावेग जिनका सिलसिला रुकता ही नहीं, खुशी, दुख और उदासी के बेशुमार पल और साथ ही लेखक का प्रकृति वर्णन। हम आश्चर्यचकित होते हैं कि उस उम्र में ही दोस्तोयेवस्की कितनी गहराई से इंसानी मन और रूह के रेशे रेशे से वाकिफ थे। उसके हर दर्द, बेचैनी, आंतरिक जद्दोजहद को इतना अच्छी तरह समझते थे। कहानी में उन दोनों के साथ हम भी सेंट पीटर्सबर्ग की रास्तों, गलियों, मोड़ों, पुलों और बेंचों से वाकिफ होते हैं। और चौथी रात जब वो एक चौराहे पर उसे छोड़कर चली जाती है, स्वप्नदर्शी नायक के साथ एक सन्नाटे में स्तब्ध खड़े रह जाते हैं। कहानी का अंतिम पैराग्राफ, दो चार लाइनें इंग्लिश में है। बट टू इमेजिन दैट आई शुड बियर यू ए ग्रज नास्तेनका, दैट आई शुड कास्ट ए डार्क क्लाउड ओवर योर सीरीन अनट्रबल्ड हैप्पीनेस, दैट बाय माय बिटर रिप्रोचेस आई शुड कॉज डिस्ट्रेस टू योर हार्ट, should poison it with secret remorse and should force it to throb with anguish at the moment of bliss, that I should crush a single one of those tender blossoms which you have twined in your dark tresses when you go with him to the altar. Oh, never, never. May your sky be clear. May your sweet smile be bright and untroubled. And may you be blessed for that moment of blissful happiness which you gave to another lonely and grateful heart. अंतिम वाक्य है, My God, a whole moment of bliss, is that too little for the whole of a man's life? हे ईश्वर, प्यार की खुशी और उल्लास का पूरा एक पल, क्या इंसान की पूरी जिंदगी के लिए वो एक पल काफी नहीं? तो बस यही कहकर कि प्रेम की खुशी का सिर्फ एक पल पूरी जिंदगी के लिए काफी हो सकता है, कहकर कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन ये सिर्फ एक मीठी उदास प्रेम कहानी नहीं, कुछ सवाल भी जगाती है। महाभारत में द्रौपदी ने द्यूत क्रीड़ा प्रसंग में विद्वानों से पूछा था, मैं एक व्यक्ति हूं या सिर्फ एक संपत्ति जिसे दांव पर लगाया जा सकता है? इससे जुड़ा दूसरा सवाल है, क्या स्त्री पुरुष या किन्हीं भी दो मनुष्यों के बीच संपत्ति और स्वामी का संबंध या गैर बराबरी, पदानुक्रम या अधीनस्थता का रिश्ता प्रेम का रिश्ता हो सकता है? प्रेम में एक दूसरे का हो जाना, क्या इसका अर्थ है अन्य के मन, प्राण, चेतना पर कब्जा कर उसे गुलाम या अधीन बना लेना? क्या प्रेम का अर्थ है एक प्रच्छन्न गुलामी, संकुचन, स्वत्वहीनता, या उसे ऐसा होना चाहिए? कहानी एक ह्यूमन सिचुएशन के साथ हमें अपनी अंतरात्मा का भी साक्षात्कार कराती या करने को बाध्य करती है, जैसा हर बड़ी रचना करती है। ये कहती है कि स्त्री के लिए, वैसे तो पुरुष के लिए भी, लेकिन फिलहाल स्त्रियों की ही मैं बात करना चाहता हूं,
स्त्री के लिए प्रेम में स्वत्व को विसर्जित करना जरूरी नहीं। इश्क एक मीर भारी पत्थर है बेशक, जिसे उठाना आसान नहीं। यही तो सर्वोच्च परीक्षा है और वही मनुष्यता का प्रतिमान है। लेकिन स्त्री के लिए क्या उसका इतना भारी होना जरूरी है जो उठाने की कोशिश में उसे ही कुचल डाले या उसे कई हिस्सों में विखंडित कर दे? एक अनुभव जिसका होना तभी संभव हो जब मैं न रहूं या मैं न रहूं, जो मेरे अस्तित्व की जड़ें उखाड़ दे और मुझे उस न होने को ही होना मानना हो, क्या प्रेम का ऐसा होना जरूरी है? यह कहानी शायद पहली बार यह कहती है कि एक पुरुष से प्रेम करते हुए स्त्री निर्मल निष्पाप मन से दूसरे पुरुष के बारे में सोच सकती है, यहां तक कि वो दोनों से एक साथ भी प्रेम कर सकती है। प्रेम में कितना ही एकत्व हो, प्रेमिका प्रॉपर्टी नहीं है, मर्द उसका मालिक नहीं है। वो अपने मन, सोच और एहसासों की स्वामिनी खुद है और प्रेम में भी उनका विसर्जन नहीं कर सकती। मेरे लिए ये कहानी इसलिए एक बड़ी कहानी है कि यह नायिका को एक आजाद व्यक्ति की गरिमा देती है, उसे वस्तु या संपत्ति में रिड्यूस नहीं करती, प्रेम के नाम पर उसे संकुचित नहीं करती, किसी अधीनस्थता में नहीं बांधती। कहानी में जो एकाकी युवक है, जिसे जिंदगी में पहली बार प्रेम का एक कतरा नसीब हुआ फिर वो भी छिन गया, क्या उसके मन में उसके लिए कोई कटुता, शिकायत, रोष है, छले जाने के भाव हैं? क्या वो अपने चरम दुख में भी उसके उसे छोड़ जाने के हक को अमान्य करता है? ये कहानी सचेत रूप से नहीं, कहीं अवचेतन में, शिल्प के तो नहीं लेकिन विषय वस्तु के धरातल पर मेरे लिए प्रेम कहानियों को जांचने या मापने का एक मापदंड बनी रही है। दोस्तोयेवस्की ने 1848 में जो कहना चाहा वो हिंदी में एक सदी के बाद कहा जा सका। बेशक हमारे अर्ध सामंती अर्ध पूंजीवादी समाज में वो कहना आसान न था, जहां स्त्री को कमतर मानने, संपत्ति समझने का भाव अभी तक प्रबल है। इस संपत्ति को हाथ से निकलता देख जघन्य हिंसा और हत्याओं तक के समाचार हम तक आते रहते हैं, और सिर्फ हमारे देश में ही क्यों। याद कीजिए कि सिर्फ झूठे संदेह के आधार पर ओथेलो ने पत्नी डेस्मेडोना की हत्या कर दी थी, और इसी संदेह में स्ट्रिंगबर्ग के नाटक फादर का पिता पागल हो गया था। इस पृष्ठभूमि में मैं हिंदी की तीनों ही उत्कृष्ट और अग्रगामी कहानियों को रेखांकित करना चाहता हूं। मन्नू जी की कहानी यही सच है, यह भी तो अपने तरीके से यही कहती है कि स्त्री अपने एहसासों की स्वामिनी खुद है और एक पुरुष से प्रेम करते हुए भी दूसरे के प्रति खिंचाव और प्रेम अनुभव कर सकती है। इससे उसका प्रेम संदिग्ध या दूषित नहीं होता। रविंद्र कालिया की कहानी 9 साल छोटी पत्नी में भी एक स्त्री विवाह के बाद पुराने प्रेमी के प्रेम पत्रों को पढ़कर भावुक होती है, कहीं उससे प्रेम भी करती है। ये कहानियां यही कहती हैं कि स्त्री के लिए प्रेम में विलय का अर्थ अपनी यत्ता या शख्सियत या विशिष्टता को विलीन कर देना नहीं। इसके अलावा ये कहानियां इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं कि इनमें जो प्रेमी पुरुष हैं वे एक विकसित उन्नत धरातल पर हैं। वे उस दूसरे पुरुष से, साथी के पुराने प्रेम से बखूबी वाकिफ हैं, मगर एक पल के लिए भी ईर्ष्या दग्ध नहीं होते, हाहाकार नहीं करते। 9 साल छोटी पत्नी में तो पति पुराने प्रेमी के पत्रों को पढ़कर आनंदित होता है और वो एक बार मिलने आता है, या पत्नी निर्विघ्न एकांत में पुरानी यादों को जीना चाहती है तो अवरोध नहीं बनता, बल्कि अपने खामोश तरीके से बिना उसे बताए या जताए सहयोग देता है।
इन कहानियों के ब्यौरे यकीन जगाते हैं, हालांकि प्रेम में कुछ भी पूर्व निश्चित नहीं होता, कि अगर उनकी साथिनी दूसरे पुरुष के साथ जीवन बिताना चाहती तो मुझे लगता है कि उन्हें कितना ही दुख होता, वे उनके निर्णय के आड़े ना आते। इसी कड़ी में निर्मल जी की कहानी पिता और प्रेमी है, इन दोनों कहानियों से भी एक कदम आगे। मैंने यही कहानी चुनी थी, मुझे इसी पर बोलना था, लेकिन दूसरी कहानियों की चर्चा करता रहा। लेकिन दरअसल दूसरी कहानियों के हवाले से मैं इसी कहानी की चर्चा कर रहा था। इस कहानी में भी एक युवती के दो प्रेम प्रसंगों का हवाला है। एक प्रेम काफी पहले समाप्त हो गया है और युवती दूसरे प्रेमी के साथ खुश है। कहानी एक शाम भर की है जिसमें उसकी पुराने प्रेमी से अनायास मुलाकात हुई है। वो एक पेरेम्बुलेटर के साथ है जिसमें उसका बच्चा है नए प्रेमी से। पुराना प्रेम खत्म होने का दर्द, उदासी या टूटन जरूर रही होगी, लेकिन वे उससे उबर चुके हैं और उनके बीच चाहे थोड़ी देर के लिए ही एक रिश्ता पुनः निर्मित होता है, दो व्यक्तियों के बीच, स्त्री पुरुष के बीच नहीं। पुराना प्रेमी ईर्ष्या में सुलगता नहीं, आपा नहीं खो बैठता, वो शांत, धैर्यवान, स्थिर है। उसके नए रिश्ते और जिंदगी के बारे में जानने की एक सहज दोस्ताना जिज्ञासा उसके मन में है। कहानी के अंत में उन्हें कुछ दूर ट्राम में साथ साथ जाना है। ट्राम के सहयात्री उसे ही बच्चे का पिता समझकर उसे खुश करने के लिए कहते हैं, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। वो बिना कुछ कहे बाहर देखने लगता है। कहानी खत्म। एक बहुत नाजुक, हल्की मतलब ओछे के अर्थ में नहीं, निर्भार होने के अर्थ में हल्की खामोश कहानी है ये। मुखर रूप से नहीं, अपने खामोश तरीके से हमसे बहुत कुछ कहती है। ये उस प्रकार की कहानियों में से है जिनकी व्याख्या या विवेचना करना लगता है जैसे उनको अवमूल्यित करेगा, उनमें से कुछ घटा देगा, कुछ छीन लेगा। तो इस खामोश कहानी की विवेचना में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मेरी विवेचना भी इस कहानी की उस कहानी की ही तरह खामोश है। और दरअसल अभी तक जो कुछ कहा इस कहानी के बारे में ना कहकर भी वो इसी कहानी के बारे में था। बस अंतिम बात, पहले कह चुका हूं मैं कि हमारे अनुभवों का एक पक्ष आभ्यंतर और दूसरा बाह्यगत होता है, तो क्या प्रेम पर आधारित इन कहानियों का भी कोई बाह्यगत सामाजिक पक्ष है? अवश्य है, और वो सामने ही नजर आता है। ये कहानियां, ये वाली कहानी और पहले वाली भी जिनका जिक्र किया, इन्हें मैं एक नए तरीके के मानव संबंधों की प्रस्तावना के रूप में देखता हूं। ऐसे संबंध जो वास्तविक आजादी, बराबरी और लोकतंत्र पर आधारित हों। प्रेम दो आजाद इंसानों के बीच बराबरी का रिश्ता है, यह दोहराना प्रकारांतर से ऐसे समाज की मांग है जो समानता पर आधारित हो और जहां आजादी और बराबरी सिर्फ साहित्यिक मूल्य नहीं, समाज में भी केंद्रीय जीवन मूल्यों की तरह स्थापित हों। बस इतना ही कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया।